बांटना जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह वाह। दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, वाह वाह। दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, ठहाके आपकी खातिर बचा के रखे हैं। जी में आता है कि पूछूं हंसाने वालों से कि अपने आंसू कहां पर छुपा के रखे। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। मैं राजनीति के बीच रहता हूं, मुझे वहां भी तिवारी जी हंसी दिखती है। केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, मैं बिल्कुल आनंद की बातें कर रहा हूं। जब उनकी सरकार बनी तो मैंने चार पंक्तियां कहीं, आनंद लेना चौथी पंक्ति जिस तरह से मैंने निकाली कि धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए। वन टू, धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके। चौथी पंक्ति समझ जाएं जो लोग, हाथ उठे सबके। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। क्या बात, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। वो खांस खांस, खांसी ज्यादा दिन चली ना, इसलिए कई बार कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दें, बड़ी मुश्किल से तो हमने पाल पोस के बड़ा किया और आसानी से खत्म हो भी नहीं सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं। अदालत में दो वकील बहस कर रहे, जज साहब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करने की दरखास्त देता हूं। जज साहब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। किताब आई, जज साहब ने फौरन पेज नंबर 15 पलटा, 2000 के 10 नोट रखे थे। तिवारी जी खुश हुए, 2000 के 10 नोट रखे थे। जज साहब को अच्छा लगा क्योंकि कहा गया था कानून की किसी धारा के आधार पर बाइज्जत बरी न किया जाए, पेज नंबर 15 के आधार पर। 2000 के 10 नोट अच्छे लगे जज साहब को, समर्थन करना। जज साहब ने मुस्कुराते हुए किताब दराज में रखी और कहा वकील साहब इसी तरह के दो सबूत और पेश किए जाए। अभी दिनेश भाई ने जिक्र किया, वो हमारे यहां उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रेम पर प्रतिबंध लगा दिया, एंटी रोमियो शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा, मैंने वहां से भी हंसी निकाली। स्वागत। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो किस लिए, और उनका जवाब सुनना साहब, जिस मन से मैंने वो निकाला। बापू जी आपका जन्मदिन है तो लोगों को हंसाना मेरा धर्म है थोड़ा, उसके बाद मैं और भी बातें करूंगा। योगी जी ने जो जवाब दिया मुझे उस पर समर्थन चाहता। जी भैया। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, योगी जी कह रहे हैं, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना। अच्छा लग रहा है ना, हर जगह हंसी है। मोदी जी ने नोटबंदी की उसमें भी हंसी है। मैं किसी भी विषय से हंसी निकाल सकता हूं, हर जगह से मुझे हंसी हर जगह दिखती है। मोदी जी की नोटबंदी में चार पंक्तियां सुनाता हूं सिर्फ शुद्ध आनंद के लिए। कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो। वन, समझदार लोग हैं बहुत। मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकाल। अब ये जितने पुरुष ताली बजा रहे हैं ये आज शाम को सबकी खैर नहीं कि तुम ताली क्यों बजा रहे थे, तुम्हारे मन के भीतर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़। मोदी जी की जब सरकार बनी तो मैंने उससे भी हास्य निकाला। मैं एक छोटा सा गीत दिनेश ने कहा है, उससे मैं हास्य कैसे निकल सकता है। वो बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, प्रधानमंत्री हैं और बहुत स्नेह करते हैं कविता से और सभी विद्वान लोगों से। मैंने उससे भी हास्य निकाला, शुद्ध हास्य मोदी जी से कुछ निकाला जा सकता है, वो मैंने प्रयास किया है। आधी लाइन आप गाएंगे तो ये उत्सव महोत्सव में बदल जाए। जी भैया। कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया,
आप बिल्कुल ये सोचिए कि मैं हास्य कवि हूँ, किसी दल का सोच के मैं, मैं आपके दिल का आदमी हूँ, मैं जनता का आदमी हूँ, मैं हंसी का आदमी हूँ, मैं हिंदी का आदमी हूँ, मैं इस धर्म क्षेत्र का आदमी हूँ, मैं हिंदुस्तान का आदमी हूँ। क्या कहें? किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति मैं नहीं। क्या क्या कहने? कि सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोर। ये लाइन आपकी है। सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर। सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना। राजनीतिक चुटकियां लेना आप। कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। तालियां बहुत कमजोर है। क्या कहने? मैं दो तीन बंद कम कर दूंगा। देखो साहब, आप भी खाली हैं, आप भी बजाइए। यही वाद्य यंत्र थोड़ी देर। कि सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार रसिया। ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आए। बड़ी बात है साहब कि ये गुजराती भाया समर्थन, ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया। घबराए ओबामा बनना जाए सुदामा, ऐसा ना हो पेंट उतार के पहना दे पाजामा, रुपया डॉलर पर हो जाए ना सवार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार जोरदार रसिया। खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया। एक हमारे मित्र चाइना गए, कोई लड़की पसंद आ गई तो शादी करके आ गए, तो 6 महीने में वो लड़की मर गई। तो बैठ के रो रहे थे तो दादाजी ने समझाया, बेटा रोता क्यों है, चाइनीज माल इससे ज्यादा चलता ही कहां, इसलिए मेक इन इंडिया की जरूरत पड़ती है। कि खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब हैं चंगू मंगू मोदी हैं 6 फुटिया। वो तो सब हैं चंगू मंगू, विजुअल पोएट्री। वो तो सब हैं चंगू मंगू मोदी हैं 6 फुटिया, मियां बिलावल लल्लू जानते हो ना। बोले हमको पूरा कश्मीर चाहिए। मैं सागर की तरफ से जवाब देता हूँ, समर्थन करे तो हाथ उठा के करना, मैं हिम्मत करता हूँ। कि मियां बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू, मियां बिलावल लल्लू लल्लू लल्लू, मियां बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। कश्मीर की, ये सागर वाले ट्रेन में बराबर वाली सीट नहीं दे सकते किसी को, कश्मीर क्या देंगे। कि मियां भी समर्थन करो साहब एक बार, ऐसा लगे कि क्या बात है, जिंदाबाद। कि मियां बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, शेरों के आगे है भौ 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 बेकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार रसिया। अमरीका था खीजा नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जिया कर खा जाओ पीजा। ऐसा ही हुआ ना, कि अमरीका था खीजा नहीं दिया था वीजा, अब कहता है जीजा जिया कर खा जाओ पीजा, रामदेव की माया ऐसा पेट घुमाया, पेट घुमाकर कांग्रेस का तो कर दिया सफाया, अब वो कर रहे स्वदेशी का प्रचार रसिया। क्या बात है बाप, बड़ा काम किया है स्वामी रामदेव जी ने। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उनके लिए। क्या कहने, स्वदेशी के लिए, धर्म के लिए, योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, बड़े काम के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कि अब वो कर रहे स्वदेशी का प्रचार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सर। आखिरी बंद पढ़ता हूं। गायत्री और गैया कहती